ये कहानी मारियो अरोम्बेली नाम की एक निहायती हबसी और ठरकी आदमी के बारे में है, जो अपने बीबी को छोड़कर दूसरे लड़कियों के साथ अवैध संबंध बनाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। इस मूवी का नाम है द बिशप्स बेडरूम। तो कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, जहां उस दौरान बमबारी और तनाव से बचने के लिए मिलान के कुछ अमीर लोगों ने शहर छोड़कर झील के किनारे एक शांत गांव में आकर बस गए थे। उन्हीं अमीर परिवार में से एक परिवार था अरोम्बेली परिवार, जिसकी हेड थी क्लॉफी अरोम्बेली। उनका फैमिली काफी रिच था और झील के किनारे उनका एक बहुत बड़ा शानदार महल था। क्लॉफी के पति का नाम था मैरियो अरोम्बेली, जो कि एक रिटायर्ड आर्मी मैन था। वो एक बहुत ही आयाश और लड़कीबाज किस्म का इंसान था, जिसके पास आवारागर्दी करने के अलावा और कोई काम नहीं था। क्योंकि क्लॉफी उसके बारे में सब कुछ जानती थी, इसलिए वो उसके ऊपर काफी कड़ी नजर रखती थी। क्लॉफी के साथ उसके छोटे भाई की बीवी मातिल्दा भी रहती थी, जिसका पति 10 साल पहले युद्ध पर गया था, लेकिन वो अभी तक वहां से वापस नहीं लौटा। क्लॉफी के शानदार विला में एक बेडरूम था, जो कि क्लॉफी के ग्रेट अंकल बिशप का था, जो कि एक होमोसेक्सुअल थे, और वो अपने प्रेमी से मिलने के बहाने अपने पूर्वजों के इस गांव में आया करते थे। लेकिन यहां पर झील में डूबने के कारण उनकी मौत हो गई थी, और गांव वालों के मुताबिक उनके होमोसेक्सुअल होने का राज उनके घर वालों को पता चल गया था, इसीलिए उन्होंने उनको पानी में डुबाकर मार डाला। क्योंकि इस बात को 50 साल बीत चुके हैं, इसलिए इस बात का कोई सबूत नहीं था कि उनकी हत्या हुई थी। मैरियो अपने आर्मी रिटायरमेंट के बाद काफी बोर हो रहा होता है और अपने पत्नी क्लॉफी के पैसों पर ऐश करता है। वो अब भी अपनी पहली वाली जिंदगी जैसी एक रंगीन जिंदगी जीना चाहता है, जब उसके कई लड़कियों के साथ संबंध हुआ करते थे। आगे हमें पता चलता है कि मैरियो अपने सिस्टर इन लॉ मार्टिल्ला को मन ही मन पसंद करता है और उसके साथ अवैध संबंध बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपनी पत्नी के डर के कारण वो ऐसा नहीं कर सकता। दरअसल मैरियो पैसों के लिए अभी भी अपने बीवी क्लॉफी पर निर्भर है, इसलिए क्लॉफी उसे दबा कर रखती है और उसके सामने वो एक भीगी बिल्ली है। एक दिन मैरियो की मुलाकात मार्को नाम के एक आदमी से होती है, जो कि लगभग मातिल्ला की उम्र का होगा। दरअसल मार्को भी मैरियो की तरह एक आवारा था, अपने बोट में झील में इधर उधर घूमने और अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने के अलावा उसका भी कोई खास काम नहीं था। वो इसी बोट पर ही रहता था, क्योंकि मार्को और मैरियो की नेचर एकदम सेम थी, इसलिए उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद मैरियो मार्को को अपने घर डिनर करने के लिए इनवाइट करता है, जिस पर मार्को तुरंत मान जाता है। डिनर टेबल पर मैरियो, मार्को, मार्टिल्डा, क्लॉफी बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। मार्को को यह समझने में बिल्कुल देर नहीं लगती कि घर में मैरियो की कोई औकात नहीं है, और यहां पर सिर्फ उसकी बीवी क्लॉफी की चलती है। इसके बाद डिनर टेबल पर मार्टिल्डा के पति एंजेलो के बारे में बातें होती है, जो कि 10 साल से लड़ाई से नहीं लौटा है। मार्टिल्डा से उसकी शादी 10 साल पहले हुई थी, जब मार्टिल्डा सिर्फ 16 साल की थी। शादी के तुरंत बाद ही एंजेलो को लड़ाई पर जाना पड़ा। शादीशुदा होते हुए भी वो एक कुंवारी है, इसलिए क्लॉफी मार्टिल्डा पर काफी कड़ी निगरानी रखती है और उसे एक पंछी की तरह पिंजरे में कैद करके रखती है। मार्टिल्डा की यह हालत मार्को से देखी नहीं जा रही थी और वो मार्टिल्डा को यहाँ से भगाकर कहीं दूर ले जाना चाहता था, जहां पर वो उसे खूब सारा प्यार दे सके। मार्टिल्डा एक खूबसूरत लड़की थी और पहली नजर में ही मार्को उसके प्रति आकर्षित हो गया था। डिनर के बाद मैरियो मार्को को वहीं पर रात गुजारने के लिए रिक्वेस्ट करता है और वही कमरा लगवाता है जिसमें क्लॉफी के अंकल बिशप रहा करते थे। उस कमरे से मार्को को मार्टिल्डा का कमरा साफ नजर आ रहा होता है, जहां रात को वो मार्टिल्डा को मास्टरबेट करते हुए देखकर उसके प्रति उसकी चाहत और भी बढ़ जाती है। लेकिन अगली सुबह उसे ना चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ता है। मार्को अपने बोट से वहां से निकल रहा होता है, तब मैरियो उसके साथ झील घूमने का बात करता है, इसलिए मार्को उसे अपने साथ बोट में ले जाने के लिए राजी हो जाता है। दोनों झील में काफी देर घूमने के बाद मार्को मैरियो को अपनी गर्लफ्रेंड के घर ले जाता है, जहां पर उसकी एक सहेली भी होती है, जिस पर मैरियो कई बार अपना किस्मत आजमाता है, जिसके बाद वो सब बोट में नंगा पुंगा होके खूब एंजॉय करते हैं। सेना छोड़ने के इतने सालों के बाद मैरियो के लाइफ में ऐसा एडवेंचर पहली बार आया था और वो अपने पुराने दिन को याद करते हुए इमोशनल हो जाता है। एक शाम मार्को को सामान लेने के लिए शहर जाता है और अगली सुबह वापस आकर देखता है कि मैरियो उसके ही गर्लफ्रेंड के साथ एक ही बेड पर लेटा है, और पूछने पर मार्को की गर्लफ्रेंड बोलती है कि कल रात को मैरियो अकेले सो नहीं पा रहा था, क्योंकि उसको काफी डरावने सपने आ रहे थे, इसलिए उसने मैरियो को अपने साथ सोने दिया। यहां मार्को क्लियरली समझ जाता है कि मैरियो कितना चालाक और ठरकी आदमी है, जो अपने शरीर की भूख को मिटाने के लिए किसी के भी पीठ पर छुरा भोंक सकता है, चाहे वो उसका दोस्त ही क्यों ना हो। लेकिन इस बात का मार्को पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो भी अपने गर्लफ्रेंड के प्रति सीरियस नहीं था। मैरियो मार्को के साथ कुछ दिन बोट पर बिताने के बाद अपने विला वापस आता है। वो अपने पत्नी क्लॉफी को बिना बताए ही मार्को के साथ झील घूमने गया था और वापस आके वो अपने पत्नी का सामना नहीं करना चाहता था। लेकिन वो विला से कुछ दूर बाइनोकुलर से देखता है कि विला में क्लॉफी का कजिन अपने दो जवान बेटियों के साथ आया हुआ है। मार्को को अपने ठरक साधने के लिए जैसे मानो दो और शिकार मिल गए थे, इसलिए वो बिना डरी करे सीधा घर वापस लौटता है। वहां पर मैरियो क्लॉफी की कजिन के दोनों बेटियों को बोट दिखाने के बहाने बाहर ले जाता है, जहां पर वो उन दोनों के साथ अपना ठरकी हरकत करना शुरू करता है। तभी अचानक वहां पर उनके पिता आ जाते हैं और मैरियो की हरकत को देख लेते हैं। अपने बेटियों के साथ ऐसा होते हुए देखकर
क्लॉफी का कजिन मारियो को काफी गालियां देते हैं और अपनी दोनों बेटियों को वहां से लेकर चले जाते हैं। उसी टाइम मार्को भी वहां पर मौजूद था और मैरियो की सब घटिया हरकत करते हुए देख रहा था। तभी उनके घर की माली मार्को को बताता है कि मैरियो बहुत ही ज्यादा गिरा हुआ और एक नंबर का ठरकी आदमी है, जो कि कभी कभी उसके भी बेटी के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन वो मैरियो को धमकी दिया है कि अगर उसने कभी भी उसकी बेटी पर बुरी नजर डाला तो वो उसी पेड़ चाटने वाली कैंची से उसका गोटियां काट देगा। वो भी मार्को के सामने मैरियो को काफी टॉन्ट मारता है, जो कि मैरियो की पत्नी क्लॉफी भी सुन रही थी। लेकिन वो माली को बिल्कुल भी नहीं रोकती, क्योंकि वो अपने पति के हरकत से अच्छी तरह से वाकिफ थी। यहां वियो जान पाते हैं कि मैरियो को घर में किस नजर से देखा जाता है, जहां उसके पत्नी के साथ साथ घर के माली भी उसकी इज्जत नहीं करते थे। उस दिन मैरियो काफी बेइज्जत होने के बाद रात को मार्को से मिलने जाता है और उसे बताता है कि वो और मातिल्दा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसकी पत्नी क्लॉफी के कारण उनका मिलन नहीं हो पाता है। और क्योंकि वो मातिल्दा के साथ कुछ अच्छे पल बिताना चाहता है, इसलिए वो मार्को से रिक्वेस्ट करता है कि वो मातिल्दा को उनके साथ बोट पे आने दे, और मार्को को भी अपने गर्लफ्रेंड को बोट पे बुलाने के लिए फोर्स करता है, क्योंकि उसके आने से मातिल्दा को कंपनी मिल जाएगी। दोस्तों, मैरियो ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि उसे पता था कि मातिल्दा धीरे धीरे मार्को को पसंद करने लगी है, और इसीलिए वो उनकी प्यार की झूठी कहानी मार्को को सुनाता है ताकि उनके बीच कुछ शुरू होने से पहले ही सब कुछ खत्म हो जाए। वो मार्को को अपने गर्लफ्रेंड को साथ लाने के लिए इसीलिए कहता है ताकि वो मातिल्दा को दिखाना चाहता था कि मार्को की पहले से एक गर्लफ्रेंड है। इधर मातिल्दा के 10 साल से लापता पति को ऑफिशियली मृत घोषित कर दिया जाता है। अगले दिन हम मैरियो, मातिल्दा, मार्को उसके गर्लफ्रेंड को बोट पर देखते हैं, जहां मैरियो मातिल्दा के साथ काफी मस्ती करता है। लेकिन हम मार्को और मातिल्दा के बीच आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार भी देखते हैं, और बीच बीच में मौका मिलने पर दोनों मेकआउट भी करते हैं। इसके बाद मैरियो मातिल्दा और अपने लिए एक होटल में अलग अलग रूम बुक करता है, लेकिन असल में वो उस रात मातिल्दा के कमरे में ही बिताना चाहता था। इधर मार्को भी बोट पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वो देर रात शहर की सड़कों में घूमने के लिए निकल जाता है, जहां पर घूमते घूमते उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो कि उसे मारियो की तरह लगता है, और वह आदमी बड़ी तेजी से साइकिल पर कहीं जा रहा होता है। लेकिन मार्को इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले दिन एक रेस्टोरेंट में जब सब खाना खा रहे होते हैं, तभी एक पुलिस ऑफिसर आके मैरियो को एक बुरी खबर देते हैं कि उसकी पत्नी क्लॉफी की झील में डूबने के कारण मौत हो गई है। लेकिन दोस्तों, उन्हें देख के ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्हें क्लॉफी के मरने की बिल्कुल भी दुख नहीं है। पुलिस काफी जोर शोर से क्लॉफी के केस की छानबीन में लग जाती है। तभी उनके हाथ एक लेटर लगता है जो कि मैरियो ने खुद अपने पत्नी के लिए लिखा था, जिसमें मैरियो ने मातिल्दा से अपने प्यार का जिक्र किया था, और शायद इसी बात से डिप्रेस होकर क्लॉफी ने सुसाइड कर लिया, और पुलिस ये केस को एक सुसाइड घोषित करके बंद कर देती है। इसके कुछ दिन बाद मैरियो मातिल्दा से शादी कर लेता है, और इस तरह से 3 महीने बीत जाते हैं। मातिल्दा और मैरियो अपने शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं, और मार्को भी अपने जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, लेकिन अभी उसका अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो चुका है, और पता नहीं आजकल क्यों वो बहुत ज्यादा बेचैन रहता है। जिसके बाद एक दिन वो मातिल्दा और मैरियो से मिलने उनके घर जाता है, जहां पर उसे ये पता चलता है कि मातिल्दा और मैरियो के बीच रिलेशन कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और मातिल्दा के प्रति मैरियो का एक्साइटमेंट मानो एकदम जैसे खत्म हो चुका है। बीच में कुछ देर के लिए जब मैरियो बाहर जाता है, तब मातिल्दा मार्को से कहती है कि उसके मुताबिक क्लॉफी ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि मैरियो ने ही उसे मारा है। इस पर मार्को कहता है कि उससे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि उस रात उसने एक आदमी को देखा था जिसकी कद काठी बिल्कुल मैरियो जैसी ही थी, और उसको साइकिल से कहीं तेजी में जाते हुए देखा था। हो सकता है कि उस रात मैरियो साइकिल से घर वापस आया हो और उसने ही क्लॉफी को झील में डुबाकर इस हत्या को आत्महत्या का रूप दे दिया हो। एक दिन अचानक से मैरियो के घर में एक आदमी आता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि मातिल्दा के पति एंजेलो होता है, जो कि 10 साल से लापता था और जिसे ऑफिशियली मृत घोषित कर दिया गया था। उसे जिंदा देखकर सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और हमें पता चलता है कि एंजेलो यहाँ मातिल्दा के लिए नहीं आया है, बल्कि इसीलिए आया था क्योंकि उसे अपनी बहन की आत्महत्या की खबर मिली थी। आगे एंजेलो बताता है कि वो अभी तक अपनी बहन से चिट्ठी के जरिए बात करता था, और उसकी बहन को भी पता था कि उसका भाई जिंदा है, और क्लॉफी ने ये बात सबसे छुपा कर रखी थी। दरअसल युद्ध के दौरान एंजेलो को दुश्मन बंधक बना लिए थे, जहां पर वो उसको इस हद तक टॉर्चर करते हैं कि वो लोग एंजेलो के प्राइवेट पार्ट को भी काट देते हैं, और यही वजह थी कि उसके अंदर सारे एक्साइटमेंट खत्म हो चुके थे और वो वापस नहीं आना चाहता था। लेकिन उसकी बहन के सुसाइड की खबर ने उसे यहां आने पर मजबूर कर दिया था। आगे एंजेलो बताता है कि उसकी बहन आत्महत्या नहीं कर सकती, क्योंकि उसने कुछ दिनों में एंजेलो से मिलने का वादा किया था, और अपनी आखिरी चिट्ठी में उसने लिखा था कि वो मैरियो को अपने घर से निकालना चाहती है, क्योंकि दिन प्रतिदिन मैरियो उसके लिए शर्मिंदगी का कारण बनता जा रहा था। दोस्तों, अब ये केस में एक नया मोड़ आता है, और पुलिस फिर से इस केस को ओपन करती है और नए सिरे से अपनी जांच शुरू करती है। इसके बाद मार्को एंजेलो और पुलिस को बताता है कि क्लॉफी के मौत वाली रात उसने मैरियो को कहीं तेजी से जाते हुए देखा था, और पुलिस की मदद से मार्को उस आदमी तक भी पहुंच जाता है जिसने मैरियो को साइकिल किराए पर दी थी। इसके बाद उस साइकिल वाली आदमी की गवाही
और नए सबूतों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस मैरियो को गिरफ्तार करने आती है, जिस पर मैरियो को काफी शर्मिंदगी होती है और पुलिस के साथ चलने से पहले कुछ देर की मोहलत मांगकर उसे बिशप के कमरे में जाकर खुद को फांसी लगा लेता है। अब इस घटना के कुछ दिन बाद एंजेलो अपनी पूरी संपत्ति मातिला के नाम कर देता है और उसे कहता है कि वो और कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसने देश के बाहर अपना एक व्यापार खड़ा कर लिया है और उसकी जिंदगी वहां पर अच्छी कट रही है, और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। दोस्तों, जिस दिन मैरियो ने सुसाइड किया था उस दिन मातिला और मार्को अपने बीच शारीरिक संबंध बनाते हैं और एक दूसरे को जी भर के प्यार करते हैं। अब मैरियो के मौत के बाद मातिला मार्को से शादी करके खुशी खुशी जीवन बिताना चाहती थी, लेकिन मार्को उसे हमेशा के लिए छोड़कर अपने बोट पर वापस चला जाता है, क्योंकि शायद वो कंफर्म नहीं था कि उसने उस रात मैरियो को साइकिल पर देखा था, वो कोई और भी हो सकता है। लेकिन मातिला के कहने पर उसने पुलिस को गलत बयान दिया और नकली गवाही भी दिलाई। ये सब के पीछे मातिला का भी हाथ हो सकता है और इसलिए मार्को उसे हमेशा के लिए अलविदा कहकर अपनी आजाद जिंदगी में वापस लौट जाता है। और दोस्तों, मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द बिशप्स बेडरूम की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड टेक केयर।